ब्रह्मांडीय पिंडों का अध्ययन करने वाले सब्जेक्ट को जो भी आप ऊपर देख रहे हैं, ब्रह्मांडी पिंडों के ब्रह्मांडी पिंडों का अध्ययन करने वाले विषय को क्या कहते हैं? खगोल शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? खगोल शास्त्र कहते हैं। इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तारे, क्या तारे, आकाशगंगाएं, उनकी उत्पत्ति, उनकी संरचना कैसे हुई, इन सब विषयों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत इन सब क्या किया जाता है? अध्ययन। और दुनिया में ये कहा जाता है कि सबसे पहली बार खगोल शास्त्र का जो उद्भव हुआ वो बेबीलोन में हुआ। कहाँ हुआ? बेबीलोन में। कहाँ हुआ? बेबीलोन में, ठीक है। लगभग 3000, कितना? लगभग 3000 ईसा पूर्व। और इसीलिए बेबीलोन के लोगों को, ठीक है, किसको? बेबीलोन, बेबीलोन मतलब आज का जो आपका इराक है। क्या है? इराक। इराक, ठीक है। शास्त्र की क्या हुई? शुरुआत हुई। इसीलिए बेबीलोन के लोगों को क्या माना जाता है? खगोल शास्त्र का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। किसका जनक माना जाता है? खगोल शास्त्र का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले खगोल शास्त्र आया कि ज्योग्राफी आया, तो आपका उत्तर क्या होगा? खगोल शास्त्र। आप देख रहे हैं कि 3000 बीसी है ये, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए खगोल शास्त्र का जन्म कहाँ हुआ, ठीक है, बंद कर दीजिए उसको। अगर आपसे पूछा जाए खगोल शास्त्र का जन्म कहाँ हुआ, तो आप कहेंगे बेबीलोन में। कहाँ? बेबीलोन, ठीक है। ये बेबीलोन के लोगों को खगोल शास्त्र का क्या माना जाता है? जनक। देखिए कहाँ से है उसकी बटन, पंजास, उसको बंद कराइए। कहाँ से है? थोड़ा सा एक लोग चेक करके बंद कराइए उसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो नॉइज कर रहा है। चलिए आगे देखिए। लेकिन ब्रह्मांडी पिंडों का जो सबसे नियमित रूप से अध्ययन प्रारंभ किया वो था क्लाउडस टॉलमी। क्या नाम था उसका? ब्रह्मांडी पिंडों का जो नियमित अध्ययन प्रारंभ किया उसका नाम था क्लाउडस। क्या नाम था? क्लाउडस टॉलमी। ये ब्रह्मांडी पिंडों का नियमित अध्ययन करने वाला यह पहला खगोल शास्त्री था, मैथमेटिशियन था। और इसका काल, ठीक है, 90 या 100 ईस्वी से, ठीक है, इसका काल माना जाता है, ठीक है, 180 ईस्वी माना जाता है। किसका? क्लाउडस टॉलमी का। और ये ग्रीक रोमन था। क्या था? ग्रीक प्लस रोमन, लेकिन रहता था कहाँ? मिस्र में रहता था। कहाँ रहता था? मिस्र में, ठीक है। खगोल शास्त्र में पहला सिद्धांत, ठीक है, खगोल शास्त्र में जो पहला सिद्धांत दिया गया वो क्लाउडस टॉलमी के द्वारा दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मांडी पिंडों का नियमित अध्ययन सबसे पहले किसने प्रारंभ किया? क्लाउडस टॉलमी, ठीक है। खगोल शास्त्र में सबसे पहला जो सिद्धांत दिया वो किसने दिया? क्लाउडस टॉलमी। और इसका जो सिद्धांत है वह है भू केंद्रित सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? भू केंद्रित सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत? भू केंद्रित सिद्धांत। इसको कहते हैं जियो सेंट्रिक। क्या कहते हैं? जियो सेंट्रिक। इस सिद्धांत में ये बताया गया कि ब्रह्मांड का केंद्र क्या है? पृथ्वी है।
जियो सेंटर, जियो मतलब पृथ्वी है, अभी आपको ऊपर मैंने बताया, ये कहा गया कि ब्रह्मांड का केंद्र क्या है, पृथ्वी है, सूर्य और अन्य ग्रह उसका क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इसमें क्या कहा गया कि ब्रह्मांड का केंद्र क्या है, पृथ्वी है, सूर्य और अन्य तारे वगैरह क्या करते हैं, उसका चक्कर लगाते हैं। ये खगोल शास्त्र में दिया गया पहला सिद्धांत था। अगर आपसे पूछा जाए कि खगोल शास्त्र का जो पहला सिद्धांत है वो क्या है, तो जियो सेंट्रिक थ्योरी, ठीक है, भू केंद्रित सिद्धांत खगोल शास्त्र का पहला क्या है, सिद्धांत है, जिसे किसने दिया, क्लाउडस टॉलमी। और ये क्लाउडस टॉलमी की जो बात थी इसे मान ली गई लंबे समय तक, और ईसाई धर्म में भी इसे शामिल किया गया। लेकिन सबसे पहले इसका जो खंडन किया, ठीक है, वह 16वीं शताब्दी में, कब, 16वीं शताब्दी में पोलैंड के, कहाँ के, पोलैंड के, क्या नाम था उनका, कॉपरनिकस ने, किसने, कॉपरनिकस, ये कहाँ के थे, पोलैंड के थे, कहाँ के थे, पोलैंड के थे। इनका काल 1470 या 72 ईस्वी से लेकर के, ठीक है, और 1543 वगैरह के करीब रहा ईस्वी, कॉपरनिकस, ठीक है। कॉपरनिकस ने जियोसेंट्रिक के ठीक अगेंस्ट, कॉपरनिकस ने भू केंद्रित सिद्धांत के ठीक विपरीत बतलाया, ठीक है, सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया। क्या दिया, सूर्य केंद्रित, कौन सा सिद्धांत दिया, सूर्य केंद्रित, ठीक है। इसे कहते हैं होलियो सेंट्रिक, क्या कहते हैं, होलियो सेंट्रिक, यानी कि खगोल शास्त्र में जो दूसरा सिद्धांत आया वो क्या था, होलियो सेंट्रिक था, और जो ठीक इसके क्या था, विपरीत था। इसमें कहा गया कि हमारे सौरमंडल का जो केंद्र है वो पृथ्वी ना होकर के क्या है, सूर्य है, देख रहे, इसमें लिखा गया होलियोसेंट्रिक। इसमें ये कहा गया कि हमारे सौरमंडल का केंद्र पृथ्वी ना होकर के क्या है, सूर्य। पृथ्वी और अन्य ग्रह क्या लगाते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी और अन्य ग्रह क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और सूर्य क्या है, स्थिर है। ये बात कही कॉपरनिकस ने, और इसीलिए कॉपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है, आधुनिक, एक कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या माना जाता है, आधुनिक, इन्हें खगोल शास्त्र का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है, किसे, कॉपरनिकस को। और इन्होंने जो यह सिद्धांत दिया उसे कॉपरनिकसिक क्रांति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कई बार पूछा गया है कि कॉपरनिकसिक क्रांति का संबंध किससे है, खगोल शास्त्र से है, किससे है, खगोल शास्त्र से है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है कि कॉपरनिकसिक का क्रांति का संबंध किससे है, तो किससे है, खगोल शास्त्र। जब इन्होंने ये सिद्धांत दे दिया था तो ईसाई धर्म के खिलाफ था, तो इनको बहुत दंडित किया गया कि अपना सिद्धांत बदल दो, ठीक है। जनवरी के महीने में इनको ठंडे पानी से नहलाया गया और कुएं में डाल दिया गया। तो लोगों ने पूछा इनसे, अब बताओ कॉपरनिकस, ठीक है, सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है या सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो जान के उनको इतना संकट आया, तो कुएं से इन्होंने बोला, ठीक है, कि सूर्य क्या करता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है, आप ही लोग क्या हैं, सही है। तो जब बाहर इनको निकाला गया तो इन्होंने कहा कि हमारे कहने से क्या होता है, वास्तविकता तो यही है, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी और अन्य ग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, कॉपरनिकस से पहले, किसे, कॉपरनिकस से पहले भारत के गणितज्ञ और खगोलज्ञ, ठीक है, आर्यभट्ट ने, किसने, आर्यभट्ट ने इससे पहले बता दिया था, 5वीं शताब्दी ईस्वी में ही आर्यभट्ट ने बता दिया था, चौथी या
पाँचवीं शताब्दी ईस्वी में सबसे पहले आर्यभट्ट ने बताया था, ठीक है, कि पृथ्वी गोल है और वो सूर्य का क्या करती है, चक्कर लगाती है। उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि जैसे नदी में तीव्र गति से नाव चलती है तो हमें लगता है नाव स्थिर है और किनारे के पेड़ क्या कर रहे हैं, गतिमान है, लेकिन वास्तव में, ठीक है, नाव चल रही है, नदी का किनारा क्या है, स्थिर है। याद रखिएगा, इनसे पहले, कॉपरनिकस से पहले यह सिद्धांत किसने दे दिया था, आर्यभट्ट ने दे दिया था, ठीक है। ये जो होलियोसेंट्रिक है, ठीक है, सबसे पहले किसने दे दिया था, आर्यभट्ट ने दे दिया था, ठीक है। बहरहाल चलिए, एक दो नाम और हैं, ये आप लोग ऐसे पहले ऐसे नोट कर लिया करिए, बाद में मैं आपको जो काम का है वो नोट कराऊंगा, मिटाएं इसको। अच्छा चलिए ठीक है, मैं नोट करा दूंगा, जो नोट कर ले रहे हैं ठीक है, नहीं तो मैं नोट करा दूंगा, मैं नोट कराऊंगा भाई। चलिए, इसके बाद, ठीक है, बाद में जो इन्होंने बात कही थी, कॉपरनिकस ने, इनके मत की पुष्टि गैलीलियो गैलीली ने किया, किसने किया, गैलीलियो गैलीली ने भी इनकी बात की, क्या की, पुष्टि की। ये 1610 के आसपास इनका काल था और ये कहाँ के थे, रोम के थे। इन्होंने अपने दूरबीन से, किसे, अपने दूरबीन से देख करके कॉपरनिकस के सिद्धांत की क्या की, पुष्टि की। याद रखिएगा, इन्हें दूरबीन का आविष्कारक माना जाता है। पहला जो टेलीस्कोप खोजा, पहले टेलीस्कोप का जो आविष्कार किया वो किसने किया, गैलीलियो ने। ये कहाँ के थे, रोम के थे। पीसा की जो शहर है, पीसा की मीनार आप जानते हैं, वो वहीं के थे, ठीक है। और इन्हें क्या माना जाता है, दूरबीन का आविष्कारक माना जाता है। क्या माना जाता है, दूरबीन का आविष्कार किया, क्या किया, आविष्कार किया। इसके बाद खगोल शास्त्र में जो दूसरा सबसे बड़ा काम किया, ठीक है, उनका नाम था जोहान्स कैपलर। क्या नाम था, जोहान्स कैपलर। ये जर्मन के थे, कहाँ के थे, ये जर्मन के थे, ठीक है, ये कहाँ के थे, जर्मन के थे। यह है 17वीं शताब्दी में, ठीक है। और इन्होंने ग्रहों के गति के संबंध में तीन नियम दिए, ग्रहों के गति के संबंध में इन्होंने कितने नियम दिए, तीन। ये पूछा जाता है कि ग्रहों के गति के संबंध में नियम किसने दिया था, किसने दिया था, जोहान्स कैपलर ने। और इसीलिए जब मैं आपको ग्रहों का बताएंगे तो उसमें इनके तीनों नियम बताएंगे कि प्रत्येक ग्रह दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य का क्या करता है, चक्कर लगाता है। ग्रहों की क्षेत्रफली चाल क्या होती है, समान होती है, ठीक है। और जैसे जैसे, ठीक है, उनका वृत्त बढ़ेगा वैसे वैसे उनका परिभ्रमण काल क्या है, बढ़ता जाएगा। ये तीन नियम थे उनके, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। जोहान्स केपलर को किसे, जोहान्स केपलर को अधिन्यूतन, किसका अधिन्यूतन, खगोल शास्त्र का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। मैंने तीन लोगों का नाम लिया, पहला बेबीलोन, बेबीलोन को लोगों को मैंने कहा कि खगोल शास्त्र के क्या है, जनक है। और आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे बताया, कॉपरनिकस को। कहाँ के थे कॉपरनिकस, पोलैंड के, कहाँ के थे, पोलैंड के, ठीक है। और अधिनूतन, एक्स्ट्रा मॉडर्न, एक्स्ट्रा मॉडर्न, ठीक है। अधिनूतन खगोल शास्त्र के जनक कौन है, जोहान्स कैपलर है। कौन है, जोहान्स कैपलर है। और खगोल शास्त्र में पहला सिद्धांत किसने दिया था, क्लाउडस टॉलमी ने, किसने दिया था, ठीक है। भूकेंद्रित सिद्धांत किसका था, क्लाउडस टॉलमी का था, जिसमें उसने बताया था कि पृथ्वी क्या है, स्थिर है, सूर्य और अन्य ग्रह उसका क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और इसका खंडन किसने किया,
कॉपरनिकस ने, कॉपरनिकस की जो थ्योरी है वो क्या कहलाती है, सूर्य केंद्रित सिद्धांत, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, जिसमें उसने बताया ठीक है कि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी और अन्य ग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, और इसे क्या कहा गया, कॉपरनिकसी क्रांति कहा गया। क्या कहा गया, कॉपरनिकसी क्रांति कहा गया। कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें। चलिए थोड़ा सा दूरी उरी माप ली, चूंकि अब मैं टर्मोलॉजी यूज करूंगा कितना दूर है इतना कम है, तो पहले वो मेजरमेंट देख लेते हैं क्या क्या है। खगोल शास्त्र में दूरी मापने की तीन इकाइयां हैं, कितनी इकाइयां हैं, तीन। थोड़ा उनको देखते हैं क्या क्या। खगोल शास्त्र में दूरी मापने की कितनी इकाइयां हैं, तीन। इनको देखिए थोड़ा सा, किसी को कुछ मालूम है कौन कौन सी है, प्रकाश वर्ष और पारशेद और अब जो बड़ी कॉमन है, चलिए चार हैं। चलिए मैं तीन ही हमको पता है। नंबर एक, खगोलीय इकाई, इसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इस सबसे ज्यादा यही आपका पूछा जाता है कि क्या है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये है सूर्य और पृथ्वी के बीच की क्या है, ये दूरी है। अगर आपसे पूछा जाए कि खगोल की इकाई क्या है, तो आप कहेंगे सूर्य और पृथ्वी के बीच की क्या है, ये दूरी है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये है 14,96,00,000 किलोमीटर। कितना है, 14,96,00,000 किलोमीटर। कितना है, ये है 14,96,00,000 क्या है, किलोमीटर है। एक करोड़ इसको कहते हैं, सिंबल है किसका, करोड़ का। जैसे आप लोग फ्लैट लेंगे, अगर 70,00,000 का पड़ा रहेगा, 60,00,000 का पड़ा रहेगा, तो आप कहते हैं यार पूरा पूरा भाई 1 CR का पड़ा है। क्या बोलेंगे, पूरा पूरा 1 CR का पड़ गया है। तो इसका मतलब है 14,96,00,000 किलोमीटर, ठीक है, इसका ये मतलब है। दूसरा है खगोल शास्त्र में जो दूसरी दूरी मापने की जो इकाई है वो है प्रकाश वर्ष। क्या है, प्रकाश वर्ष है। ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रकाश वर्ष, ठीक है, क्या है प्रकाश वर्ष, ये क्या है, कोई बताएगा प्रकाश वर्ष क्या है। प्रकाश के द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी। प्रकाश के द्वारा जो लाइट है, सूर्य का जो प्रकाश है, एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसी को हम क्या कहते हैं, और सूर्य का प्रकाश 1 सेकंड में लगभग 3,00,000 किलोमीटर, कितना, 1 सेकंड में लगभग 3,00,000 किलोमीटर की दूरी क्या करता है, तय करता है। तो ये क्या है, लाइट ईयर प्रकाश वर्ष, सूर्य के प्रकाश द्वारा निर्वात में, ठीक है, चूंकि जब हवा वगैरह रहती है तो प्रकाश की गति क्या कर देता है, धीमी कर देता है। सूर्य के प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी। तय की गई दूरी, ठीक है, ये क्या है, प्रकाश वर्ष है। इसको हम 9.46 × 10^15 या 6300 नहीं
6,240 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आपका यही पूछा जाता है। ठीक है, 63,240 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर क्या होता है? ठीक है, एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा जाता, आपसे ये ज्यादा पूछ लिया जाता है, ये वाला। ठीक है, ये मीटर है, ये क्या है? मीटर। ये जो मेजरमेंट मैंने लिखा है, इतना मीटर बराबर क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष। ठीक है, एक लाइट ईयर बराबर क्या होता है? 9.46 इंटू 10 के घाते 15 मीटर बराबर क्या होता है? एक प्रकाश वर्ष होता है। जो तीसरा मेजरमेंट है, ठीक है, खगोल शास्त्र में जो दूरी मापने का तीसरा मेजरमेंट है वो है पारसेक। क्या है? पारसेक है। क्या है? पारसेक। एक पारसेक बराबर, ठीक है, एक पारसेक बराबर 3.24, आपको कहीं कहीं 6 भी मिल जाएगा यहां पर, 24 प्रकाश वर्ष। ये ठीक है, खगोल शास्त्र में दूरी मापने की जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है? खगोल की इकाई है। इसका प्रयोग, ठीक है, सूर्य और ग्रहों के बीच, इसका प्रयोग कहाँ होता है? सूर्य और ग्रहों के बीच दूरी मापने में किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का प्रयोग कहाँ होता है, तो सूर्य और ग्रहों के बीच दूरी को मेजर करने में होता है। और दूसरा है लाइट ईयर, सबसे ज़्यादा प्रयोग इसी का होता है। सबसे ज़्यादा प्रयोग किसका होता है? लाइट ईयर का। इसका प्रयोग तारों के बीच, इसके बीच तारों के बीच दूरी मापने में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तारों के बीच दूरी मापने में इसका प्रयोग होता है। और इसका प्रयोग आकाश गंगाओं के बीच, किसके बीच? आकाश गंगाओं के बीच दूरी मापने में इसका प्रयोग होता है, पारसेक। और खगोल शास्त्र में दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो क्या है? पारसेक है। इससे भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि पारसेक क्या है, तो खगोल शास्त्र में दूरी मापने की क्या है? इकाई है। अगर आपसे पूछा जाए कि पारसेक क्या है, तो आपका उत्तर होगा कि खगोल शास्त्र में दूरी मापने की क्या है? इकाई है। खगोल शास्त्र में दूरी मापने की जो सबसे बड़ी इकाई है वो क्या है? पारसेक है। ठीक, इसको ऐसे चाहे छाप लीजिएगा। चलिए पॉइंट में पहले नोट कर लीजिए, तब आते हैं सब्जेक्ट पर। अब ये सब थोड़ा सा क्या थे, भूमिका टाइप के। चलिए हेडिंग डालिए एस्ट्रोनॉमी या खगोल शास्त्र। ठीक है, खगोल शास्त्र के अंतर्गत, खगोल शास्त्र के अंतर्गत ब्रह्मांडीय, खगोल शास्त्र के अंतर्गत ब्रह्मांडीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। ब्रह्मांडीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। इनकी उत्पत्ति, संरचना इत्यादि का। संरचना इत्यादि, तारों की उत्पत्ति कैसे हुई, आकाश गंगाओं की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सब पहली लाइन ही इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मांडी पिंडों का अध्ययन करने वाले विषय को क्या कहते हैं? खगोल शास्त्र। बस वही। चलिए खगोल, दूसरा पॉइंट, खगोल शास्त्र का जन्म, खगोल शास्त्र का जन्म
तीसरी सहस्त्राब्दी मतलब 3000 खगोल शास्त्र का जन्म तीसरी सहस्त्राब्दी या 3000 कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। खगोल शास्त्र का जन्म 3000 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुआ। कहाँ हुआ? बेबीलोन। कहाँ हुआ? बेबीलोन में। इसीलिए बेबीलोन के लोगों को खगोल शास्त्र का इसीलिए बेबीलोन के लोगों को खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? खगोल शास्त्र का जनक माना जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिएगा। एक काम करिए, ऐसे लिख लीजिएगा क्लाउडस टॉलमी, छोटी सी थी उसके बारे में, क्योंकि उसके बारे में भी क्वेश्चन आता है। क्लाउडस टॉलमी, ठीक है। यह यूनानी रोम मूल का था, रोम रोमा मत कर दीजिएगा, नहीं तो डाम पिक्चर की, ठीक है। चलिए, यूनानी और रोम मूल का था, मिस्र में रहता था, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ब्रह्मांडीय पिंडों का सबसे पहले नियमित अध्ययन, ब्रह्मांडीय पिंडों का सबसे पहले नियमित अध्ययन इसी ने प्रारंभ किया। दूसरा पॉइंट करिएगा, टॉलमी ने ठीक है भू केंद्रित सिद्धांत दिया। जिसके अंतर्गत उसने बताया कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है, सूर्य और अन्य ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं, ठीक है। एक लाइन नीचे भी लिख लीजिएगा, टॉलमी का यह सिद्धांत
टॉलमी का यह सिद्धांत खगोल शास्त्र का प्रथम सिद्धांत माना जाता है। टॉलमी का यह सिद्धांत खगोल शास्त्र का प्रथम सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, फिर एक छोटा पॉइंट बनाइए, कॉपरनिकस। कॉपरनिकस इसका काल है 1472 से 1543। कॉपरनिकस कोई जरूरी नहीं, थोड़ा सा मालूम रहना चाहिए ना, कब हैं कब के नहीं हैं। ठीक है, इसवी में है ये, टाइम का नहीं। ठीक है, बस इतना रहता है कि किस काल का है, थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए ना, अननोन ना हो। चलिए, कॉपरनिकस ने टॉलमी के सिद्धांत का खंडन किया। कॉपरनिकस ने टॉलमी के सिद्धांत का खंडन किया। और उसने सूर्य केंद्रित ब्रैकेट में लिख लीजिएगा हेलियोसेंट्रिक, ब्रैकेट में क्या लिखिएगा, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, ब्रैकेट में क्या करिएगा, हेलियोसेंट्रिक। कॉपरनिकस ने टॉलमी के विपरीत सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया, जिसमें बताया कि कॉपरनिकस ने टॉलमी के ठीक विपरीत सूर्य केंद्रित सिद्धांत दिया, जिसमें उसने बताया कि सौरमंडल का केंद्र सूर्य है। पृथ्वी और अन्य ग्रह